दोस्तों आज वाले वीडियो में हमारे पास है इन्फिनिक्स की ये नई वाली टीवी जिसकी कंप्लीट टेस्टिंग करेंगे आपके लिए और बताएंगे आपको कि कैसा है ये टीवी, क्या इसके तगड़ी चीज मिलती है, क्या बुराई है, हर एक चीज। वैसे चैनल पे प्रीवियसली हमने काफी सारे टीवी का रिव्यू कर रखा है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। ये इन्फिनिक्स के X3 सीरीज से आ रहा है, 32 इंच का टीवी है ये। डिफरेंट डिफरेंट वेरियंट मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, एंड्रॉइड टीवी है, गूगल का सपोर्ट मिल जाएगा आपको, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट है, क्रोम कास्ट है इसके अंदर, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, यूट्यूब, गूगल प्ले, सारे फीचर्स मिलेंगे आपको जो की एंड्रॉइड टीवी में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वाली टीवी बहुत ज्यादा स्लिम और प्रीमियम दिखती है फॉर द प्राइस पॉइंट ऑफ 10,500 रुपीज, और बैंक ऑफर लगाओगे तो और सस्ता हो जाएगा। इतनी तारीफ करने के बाद तो डायरेक्टली इसको ओपन करते हैं। ओ भाई, अपनी टीवी तो निकल चुकी है दोस्तों, इसको थोड़ा लिटा देते हैं। बाकी सारे एक्सेसरीज दे रही, सबसे पहले एक रिमोट मिल जाएगा, ये इसका व्हाइट डिजाइन तो काफी खिल के आ रहा है। उसके बाद टीवी के दो स्टैंड, और ये रहा आपका पावर कॉर्ड, थोड़े बहुत स्क्रू और बैटरी फॉर रिमोट। टीवी के अंदर आपको यहाँ पे यूजर मैनुअल मिल जाएगा। वैसे यूजर मैनुअल हम मना करते हैं, लेकिन टीवी का तो पढ़ लेना दोस्तों, कुछ काम ही आ जाएगा। इसके अंदर वारंटी कार्ड भी है, 12 मंथ की वारंटी मिल जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट वॉल माउंट मिल जाएगा, घर पे खुद से भी लगा सकते हो। वैसे आप इन्फिनिक्स को कॉल करके इनके इंजीनियर्स को बुला सकते हो। और अभी बारी है टीवी की। एकदम कड़क माल भाई, खुशबू तो अच्छी आ रही है, काफी हल्की फुल्की सी टीवी लग रही है यार ये। सबसे पहले तो स्टैंड लगा देते हैं इनका, ए के साथ ए लगा देते हैं भाई, स्क्रू करना पड़ेगा आपको खुद से, और बी के साथ बी। भाई टाइट हो गया अच्छे से, स्टैंड तो कम्प्लीटली टाइट हो चुका है। यहाँ पे पावर वाला बटन भी है और इसके अंदर लाइट जलती होगी। सीधा कर लेते हैं इसको, और अपनी टीवी हो चुकी है रेडी टू प्ले। वैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन है, इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है, 32 इंच, 250 निट्स की अल्ट्रा ब्राइटनेस है, फ्रेमलेस डिजाइन है। वैसे सच में इसका फ्रेम तो काफी ज्यादा स्लीक और स्टाइलिश लग रहा है, इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग अच्छी लग रही है। ओवरऑल टीवी प्राइस के हिसाब से तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। एक बार इसको भाई निकाल देते हैं, चरम आनंद का एहसास हुआ दोस्तों, मजे आ गया। पावर केबल से अपने टीवी को पावर कर देते हैं। तार की लंबाई सही है जो कि नॉर्मल टीवी से मिलती है। यहाँ लाइट आ चुकी है, इन्फिनिक्स स्मार्ट लाइफ स्टाइल। सबसे पहले आपको हमेशा टीवी का रिमोट ही कनेक्ट करना चाहिए। देखो पेयर हो गया टीवी का रिमोट। एंड्रॉइड टीवी का जो रिमोट होता है ना, एक्चुअली ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। उल्टा भी चलेगा, ऊपर मारता हूँ तो भी चलेगा, बंद कर देता हूँ तो भी चलेगा, उधर मारता हूँ तो भी चलेगा। उस रूम से आता हूँ, बता देना भाई चल रहा है कि नहीं। चल रहा है भाई, और दूर जाता हूँ, चल रहा है, दूसरे रूम में जा रहा हूँ, ऊपर जो हो रहा है भाई। अब क्या इस रूम से उस रूम में चल रहा है, क्या चाहिए। बेसिकली इसमें रिमोट का नहीं, ब्लूटूथ का खेल होता है। वैसे इसमें देख रहे हो कितने सारे लैंग्वेजेस हैं। हम चलते हैं इंग्लिश पे, सही चल रहा है तेज तेज इंग्लिश। ओके, क्विकली सेटअप योर टीवी एंड्रॉइड फोन। देखो भाई एंड्रॉइड फोन बोला लेकिन हम लोग आईफोन से करेंगे। देखो ये वाला एप्लीकेशन आपको खोलना है, इसमें सर्च करो टाइपर से ओके गूगल सेटअप माई टीवी। ओके गूगल सेटअप माई टीवी, सॉरी I don't understand। अभी वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा, और अच्छी बात यहाँ पे है ये 5 GHz वाला भी वाईफाई सपोर्ट करता है। बहुत सारी टीवी इस प्राइस पॉइंट पे आपको 5 GHz वाला वाईफाई सपोर्ट नहीं करते हैं। और अगर आपको एंड्रॉइड टीवी चलाना है तो आपके घर में वाईफाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5G वाले वाईफाई से आपकी कंटेंट स्पीड बहुत अच्छी आएगी। इसको कर देते हैं, पासवर्ड लिखना पड़ेगा। हो गया भाई पासवर्ड सेट, चेकिंग फॉर अपडेट्स। सिंपली आपकी टीवी सेट हो जाएगी, तो एक बार इसको सेटअप करते हैं उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं वापस पूरे एक दिन के टेस्टिंग के बाद। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। 9,000 रुपए की प्राइसिंग आने वाली है इसके बैंक ऑफर लगाने के बाद। अगर बैंक ऑफर नहीं लगाते हो आप तो ये आपको मिल जाएगा 9,700 रुपए में, 800 रुपए में, 900 रुपए में, 10,000 से कम मिलेगा। तो सारी बातें प्राइस को ध्यान में रखे करेंगे। अब ये एक एंड्रॉइड टीवी है तो आपको एंड्रॉइड टीवी के जितने फीचर्स होते हैं पहले वो बताएंगे। पहला तो है इसका रिमोट। अब ये रिमोट को आप गौर से देखो भाई, इसके अंदर सारे बटन है जो कि एक नॉर्मल एंड्रॉइड टीवी में होता है। रिमोट की बिल्ड क्वालिटी काफी नॉर्मल सी है, गिरा हुआ होगा, टूट सकता है, खराब भी हो सकता है, लेकिन रिमोट काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है देखो। और टीवी भी काफी नई है तो उसके हिसाब से बताया जाए 1 साल के बाद तो डेफिनेटली टीवी स्लो होने वाली है। दूसरी बात, अगर आपको टीवी के अंदर कुछ भी सर्च वर्च करना होता है, इस रिमोट को यूज करके सर्च करना सर दर्दी है भाई। उसके लिए आपको क्या करना है, रिमोट को फेंको और अपना मोबाइल उठाओ। मोबाइल के अंदर आपको एक गूगल टीवी वाला एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। ये वाला एप्लीकेशन मैं बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ, मेरे घर पे एंड्रॉइड टीवी है इसीलिए। देखो इसके अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो टीवी नियर बाई करके ऑप्शन आता है, इस पर टैप करना, यहाँ से टीवी सर्च कर लेगा। आपका टीवी और आपका मोबाइल दोनों सेम वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ से रिमोट दिख रहा है आपको, और अब सिंपली टाइप कर लो। कौन सा गाना सुना दोस्तों आपको, लैम्बोर्गिनी सुनते हैं। लैम्बो क्या मस्त सर्च हो रहा है, लैम्बोर्गिनी चलावे, यही गाना था ना भाई, तू सर्च कर लिया, आ ही जाना है वो गाना। तो मैंने चलावी गाना पर देखा, पर या तो वो उपलब्ध नहीं है या अभी चलाया नहीं जा सकता। कोई बात नहीं भाई, हम दोबारा सर्च कर लेंगे यार, भाई वो बेइज्जती मार रही है, मैं बदला लूंगा इसका। इसके अंदर ऐसे भी रिमोट है, यहाँ से आप ऐसे स्वाइप कर रहे हो ना, देखो चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। अब सही से लिख देते हो लैम्बोर्गिनी, ओ लैम्बोर्गिनी BER था दोस्तों। वैसे
वैसे ओके करने के लिए भी ना आपको ऐड आ गया यार। और दोस्तों इसका स्पीकर बहुत तगड़ा है। बस बग गाना खुद से सुन लो। और अगर आपको अपने टीवी पे सिर्फ सिर्फ गाना सुनना है उसके लिए भी काफी तगड़ा है। कोई भी आप म्यूजिक एप्लीकेशन यूज करते होगे उन सभी में यहाँ पे आपको क्रोम कास्ट का फीचर आता ही आता है। टैप करोगे ना यहाँ से भी टीवी डिटेक्ट कर लेता है। अब गाना बजाएंगे इस पे, कान फटने वाला, रुक जाओ अभी। पानीपत में सैर पूरा। दोस्तों अभी तक जो आपने इसका स्पीकर का आवाज सुना था ये बेसिकली ऑटो वॉल्यूम के ऊपर था। मतलब कि ये वाली टीवी आपके एनवायरनमेंट को अडेप्ट करती है, उसके बाद अपने हिसाब से वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगी। लेकिन हमको चाहिए फुल, तो हम जाएंगे सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग तो इसकी है, मैंने देखा है भाई काफी सारे फीचर्स हैं सेटिंग्स की। देखो सेटिंग्स में आना है आपको, डिवाइस प्रेफरेंस में जाना है, साउंड में जाओ, डिजिटल आउटपुट को कर दो डॉल्बी डिजिटल। आर यू गाइस रेडी टू एक्सपीरियंस द बेस्ट 10,000 रुपए के अंदर वाला स्पीकर? बोला था ना भाई, भाई बहुत ज्यादा है पीके ये। यहाँ से पॉज करना पड़ेगा भाई। इसका स्पीकर का वॉल्यूम कहाँ तक आ रहा है वो देखते हैं। आई कैन डांस हियर, बेडरूम में स्वागत है दोस्तों आपका, यहाँ तक आवाज आ रही है। अच्छा खासा आवाज है भाई, एक बार ऑफिस में जाते हैं। गाना गाना सुन दे रहा गाना भाई, यहाँ तक आवाज आराम से आ रही है। दरवाजा बंद करते हैं, फिर भी आ रही भाई, काफी तगड़ा स्पीकर है एक्चुअली। बट स्पीकर में थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन है जो कि मुझे लगता है कि ठीक है भाई उतना चलेगा। वैसे आपको यहाँ पे 20 वाट के दो स्पीकर्स हैं और तगड़ा काम कर रहे हैं। दूसरी बात करते हैं टीवी के बिल्ड क्वालिटी के बारे में, आपको पोर्ट दिखा देते हैं। यहाँ पे दो यूएसबी पोर्ट है, उसके बाद फिर डिश वाला पोर्ट है, ये साउंड बार वाला पोर्ट है, एचडीएमआई पोर्ट, अगेन एचडीएमआई पोर्ट, और ये बस वही डिश एंटीना वाला, और ये है लैन केबल। टीवी के अंदर 3.5 mm का जैक मिसिंग है वहाँ पे, लेकिन उतनी ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगी भी नहीं। अगर आपके पास एक वायरलेस हेडफोन या एयरफोन है तो उसको आप पेयरिंग मोड पे डालो, कि मेरे पास बोट का हेडफोन है 551। आपको जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना है रिमोट एंड एक्सेसरीज के अंदर, और यहाँ पे एड एक्सेसरी में चले जाओ। टीवी ने हेडफोन को पहचान लिया, हेडफोन कनेक्ट हो चुका है यहाँ से। अब टीवी पे जितना भी कंटेंट प्ले करूंगा मैं सारा हेडफोन में एंजॉय कर सकता हूँ। तो इससे फायदा ये होता है कि आप रात में टीवी देख रहे हो, घर वाले सो रहे हैं, भाई कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मस्ती में घूमो जाओ, हेडफोन लगा लो, एयरफोन लगा लो, कुछ भी कर सकते हो। एंड्रॉइड टीवी का ये बहुत बड़ा फायदा होता है। अब मैं प्ले कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स अपने मोबाइल से बिना कोई रिमोट सपोर्ट के। टीवी पे नेटफ्लिक्स चल रहा है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपने हेडफोन में। इसको पॉज कर देते हैं। इवन की गूगल रिमोट के साथ टीवी की लेटेंसी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, कोई भी लैग फील नहीं हो रहा है अभी तो। होम पे जाने में थोड़ा सा लैग करता है ये टीवी। और अगर बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो एक यूट्यूब कंटेंट चलाते हैं, अपनी वीडियो चला लेते हैं। सो अपने पास आ चुका है रेडमी का A2 Plus, लिटरली इसकी प्राइसिंग 6,000 के अराउंड आने वाली है। और सिंस मैं अपनी वीडियो को कम्प्लीटली जानता हूँ कैसा रिकॉर्ड किया हम लोगों ने, कलर्स कैसे हैं वीडियो के, डेफिनेटली आपको बता सकता हूँ टीवी का कलर और वाइब्रेंसी तो काफी ज्यादा अच्छी है, थोड़ा ज्यादा व्हाइट टोन पे दिखाता है। टीवी को हम लोग इतने पास से नहीं देखते हैं, टीवी भाई दूर रहता है। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो डेफिनेटली कॉन्टेंट का जो एक्सपीरियंस है अच्छा आ रहा है, लेकिन अगर मैं चले जाता हूँ टीवी के पास में तो भाई पिक्सलेशन तो दिखेगा इसके अंदर। सिंस ये एक HD रेडी टीवी है, HD रेडी टीवी का मतलब होता है 720p से थोड़ा सा ज्यादा बेटर, लेकिन 1080p 60fps कंटेंट ये प्ले कर सकता है। आप लोग को HDR कंटेंट दिखाता हूँ, यहाँ से गूगल असिस्टेंट ऑन करो, 4K HDR कंटेंट देखो आ गया यहाँ पे बहुत आराम से। इसको प्ले करते हैं, इस वाले कंटेंट को थोड़ा दूर से देख के आता हूँ। 1080p 60fps पे HDR कंटेंट प्ले कर रहे हैं हम लोग, और कैमरे में जो आप फ्लिकर देख रहे थे वो एक्चुअल लाइफ में नहीं दिखता है भाई, वो बस कैमरा की प्रॉब्लम है। एक्चुअल लाइफ में जो पिक्चर क्वालिटी है फॉर द प्राइस पॉइंट तो काफी ज्यादा अच्छी है, और जो इवन की टीवी का बेजल है, डिजाइन भी है, वो भी अच्छा लग रहा है, उसमें कुछ कंप्लेन करने जैसा नहीं है। लेकिन जो टीवी की बिल्ड क्वालिटी है बहुत ज्यादा तगड़ी नहीं लगी मुझे, मतलब हैंडल विद केयर तो डेफिनेटली इसका चाहिए होगा आपको। कंप्लीट जो टीवी है प्लास्टिक बिल्ड की है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। फ्रंट में उन्होंने मैट वाला स्टिक यूज किया है, उसके बाद जो स्टैंड है वो ग्लॉसी स्टैंड है, इवन की यहाँ पर भी ग्लॉस यूज किया गया, यहाँ प्लास्टिक है, यहाँ पर वही सेम प्लास्टिक है, और टीवी का जो वॉबल तो ज्यादा है नहीं, मतलब कि बिल्ड अच्छी है, डिजाइन अच्छा है, और जो इसका बेजल है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आपका बजट 10,000 रुपए के अंदर है तो बहुत कम टीवी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, और इन्फिनिक्स का X3 IN वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। अभी बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, सबसे पहले दिखाते हैं ऑन होने में क्या टाइम लगता है। मैंने ये बटन कर दिया प्रेस, इन्फिनिक्स स्मार्ट लाइफ स्टाइल, जब तक मैं चाय पी लेता हूँ भाई अपना। एक सुड़के मार लिया, दो सुड़के मार लिया भाई, ऑलमोस्ट 25 से 30 सेकंड लगेगा आपको ऑन होने में टीवी। एक बार स्टैंड बाय टाइम दिखा देता हूँ, ऑफ किया ऑफ हो गया, दोबारा ऑन किया
स्टैंड बाई टाइम इज क्विक, मतलब 5 सेकंड में ऑन हो जाएगा। और टीवी को मैंने जितना यूज किया डेफिनेटली मुझे लगा है कि इसका परफॉर्मेंस इनिशियली तो काफी ज्यादा अच्छा है। इनबिल्ट आपको 4.3 GB स्पेस के साथ आता है, जिसमें एप्लीकेशन 700 MB का यूज कर चुके हैं हम लोग। इसमें थोड़ा बहुत हम लोग चीजें डाल रखी है, तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, कैश डेटा पे क्लिक करके डेटा को क्लियर करना पड़ेगा बार बार, तब जाके टीवी का जो परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में सही चलेगा। और हमने यहाँ पे बीच बगी करके गेम भी डाल रखा है, इसके एंड्रॉइड टीवी में आप गेम भी खेल सकते हो, नए नए टीवी में आप छोटे मोटे गेम चला सकते हो, लेकिन बाद में स्लो हो जाएगा। भाई आज जीत गए, जीत के इजी विन है भाई ये तो। एक्चुअली में परफॉर्मेंस गेमिंग का बहुत ज्यादा अच्छा था, लैग फ्री गेमिंग हुई और डिस्प्ले भी काफी ज्यादा ब्राइट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है इसके अंदर, तो आपको एक्सपीरियंस ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छा आता है। और जो टीवी होती है पूरे परिवार के लिए होती है, तो परिवार में पापा लोग को तो मिल जाती है बीच वाली सीट, लेकिन हम छोटे बच्चों का क्या दोस्तों, जब आप घर के छोटे होते हो आपको बैठना पड़ता है साइड में। यहां से देख रहा हूं तो रणबीर भाई मस्त लग रहे हैं, साइड से देख रहा हूं तो थोड़े से ज्यादा गोरे लग रहे हैं, मतलब कि चेहरे का वार्म टोन है वो काफी ज्यादा व्हाइटिश हो जा रहा है। डेफिनेटली कलर शिफ्ट तो है भाई, नीचे से तो कलर शिफ्ट नहीं हो रहा भाई, बट फॉर द प्राइस पॉइंट यही डिस्प्ले मिलता है, इससे ऊपर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो, तो घर के छोटों को थोड़ा सहना तो पड़ेगा। तो दोस्तों अगर कंक्लूड करता हूं मैं इन्फिनिक्स के इस वाले टीवी को, तो भाई 9000 रुपए के अंदर इससे बेहतर टीवी नहीं है अभी मार्केट में। डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो अगर आपका बजट इसी प्राइस में रिलाई कर रहा है, लेकिन अगर आपका बजट जाता है 12000 रुपए के अराउंड, तो आपको और बेटर ऑप्शन अवेलेबल होंगे मार्केट में। स्टिल इसका जो स्पीकर है ना भाई बहुत तगड़ा है, और अगर आप लेना है टीवी डिस्क्रिप्शन में लिंक है और इसको टैग भी कर देंगे प्रोडक्ट में, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं जा रहा हूं कंटेंट देखने।